दोस्तों, कल हमने देखा था उबंटू सर्वर 21.10 कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उबंटू सर्वर में स्टैटिक आईपी कैसे सेट करते हैं। स्टैटिक आईपी मतलब हम समझे कि डीएचसीपी मेरे को नहीं रखना है, आईपी मेरा स्टैटिक, मेरे सर्वर पे स्टैटिक आईपी सेट करना है, आईपी फिक्स आईपी मेरे को सेट करना है। तो कैसे सेट करते हैं, देखिए अभी मेरा जो डीएचसीपी पे आईपी लिया हुआ उसने लिया है 192.168.1.4। ये देखिए अब लिखा हुआ ना सामने 1.4 लिखा, अभी मेरे को 1.4 नहीं चाहिए, मेरे को सेट करना है। स्टैटिक आईपी कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये सर्वर मैंने ओपन किया है, चालू किया है, और ये कमांड है sudo ls netplan जो कमांड है वही कमांड से आपको वो करना है सब। आईपी सेट netplan से ही होता है। अभी यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट होगा नहीं तो प्लीज टाइप करना पड़ेगा, मैं टाइप करता हूँ sudo sudo ls etc netplan। ये देखिए ये फाइल है ymail.com, ये फाइल में अपने को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए sudo sudo vi एडिटर है टर्मिनल का, etc netplan netplan। और यहाँ पे वो ये कमांड टाइप करना है जीरो जीरो है क्यों है। आ गया, अभी आपको करना क्या है, कमांड पूरा टाइप करने, जितने आप शुरू के 3-4 डिजिट टाइप करके टैप मारोगे तो आ जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ, ये देखें अभी मुझे क्या चेंज करना है, नेटवर्क इंटरनेट देखिए वर्जन 2 इधर ही रहने दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं सबसे पहले डीएचसीपी को ट्रू है तो फॉल्स करता हूँ, तो यहाँ पे आई करना है तो इंसर्ट होएगा स्पेस IPL अच्छी फाइल फाइल्स कर दिए। अभी मैं इंटर करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एड्रेस ADDRESSES कोमा करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये टाइप करता हूँ मैं, ½:168.1.6:24 bit गेटवे 4 टाइप करना, गेटवे 4 GATEWAY गेटवे 4। लेकिन ये ध्यान रखना ये सब मैचिंग होनी चाहिए बराबर। नेम सर्वर मतलब डीएनएस सर्वर, नेम SERV या नेम सर्वर, ADDRESSES ½:168.1.1
8.8.8.4.2.2.2.2 ये अपन सेट कर दे। परफेक्ट सेट हो गया। ये अभी वर्जन 2 जो लिखा था ये भी रहने का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर भी करोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बार इधर रहता हूँ और अभी सेव करने के लिए एस्केप की करता हूँ, फिर कॉलन, फिर डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर करता हूँ। सॉरी, डब्ल्यू क्यू, सेव हो गया। अभी आपको सेव होने के बाद और जैसे दोस्तों ये देखिए अभी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर सर्वर एड्रेस जैसा सेट किया वैसा का वैसा सेट होना चाहिए। उसके बाद आपको टाइप करना है सूडो नेट प्लान जनरेट, अप्लाई भी करोगे भी चलेगा। जनरेट कीजिए पहले GENERATE जनरेट। अभी आप अप्लाई कीजिए, ये अप्लाई हो गया। अभी ये अप्लाई करके नेट प्लान डबकिंग अप्लाई कीजिए, डबकिंग अप्लाई ये देखिए 1.64 ये आपको सब कुछ दिखा देगा। अभी मैं कॉन्फिग डालता हूँ, ये देखिए जो मैंने सेट किया था 192.168.1.6 और ये मेरा सेट हो गया पूरा। अभी मैं आपको पुट्टी से कनेक्ट करता हूँ, पुट्टी यहाँ पे 192.168.1.6 और कुछ डालते नहीं। मैं सेव करना था, यूजर नेम डाल के सेव कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ, नहीं ये पुट्टी से कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें SSH इंस्टॉल नहीं किया, तो इंस्टॉल करोगे तो पुट्टी से एक्सेस हो जाएगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे पुट्टी से एक्सेस करते हैं। अब कल वीडियो में देखेंगे हम पुट्टी से कैसे एक्सेस करते हैं, फिर इसको फाइल जिला से फाइल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए और मेरा हौसला भी बढ़ाते रहिए। मैं आपको बहुत सारे लिनक्स पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँगा, मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।